आज से शुरू हुआ 15 से 18 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन। पेटलावद सहित क्षेत्र में स्कूलों में स्वास्थ्य विभाग ने दी उचित व्यवस्थाएं। आज दिनांक 3 जनवरी से कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण शुरू किया गया है, जिसमें 2005, 2006 और 2007 में जन्म लेने वाले बच्चे टीकाकरण के पात्र माने जाएंगे। टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 जनवरी से ही शुरू हो चुकी थी। साथ ही पेटलावद सहित पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ बच्चों के टीकाकरण कार्य में जुटा हुआ था। आज से टीकाकरण की शुरुआत हुई, जिसको लेकर पेटलावद सहित क्षेत्र के स्कूलों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद है, जो बच्चों को टीकाकरण कर रही है। वहीं व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस भी टीकाकरण केंद्र पर मौजूद है। पेटलावद स्वास्थ्य विभाग के BMO ML चोपड़ा ने सभी बच्चों के माता पिता से अपील की है कि सभी अपने बच्चों को अवश्य रूप से वैक्सीन लगवाएं और कोरोना से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। बात हुई है टीकाकरण के 15 से 18 वर्ष में, आप क्या अपील करना चाहोगे? हम अपील करना चाहेंगे कि जो भी बच्चे हैं 15 से 18 साल तक टीकाकरण के अच्छे से लगवाएं और हम उनमें जागरूकता फैलाएंगे कि सब बच्चे टीकाकरण का लगवाएं। ठीक है मैम, जो आज प्रथम दिन है 3 जनवरी के दिन, जो 15 से 18 वर्ष की जो बालिकाएं हैं उनको जो शासन के निर्देश अनुसार जो टीकाकरण अभियान हो रहा है, उसमें आप क्या बच्चों को बोलना चाहेंगे? देखिए, बहुत सरकार की तरफ से भी और बच्चों की सुरक्षा के लिए ये तो बहुत अच्छी पहल है कि बच्चों को 15 से 18 वर्ष के बच्चों को टीका लग रहा है। हमने सभी पालकों से भी अपील की है, सभी ग्रुप में भी बच्चों को भेज दिया, मैसेज कर दिया है और बच्चे अभी स्कूल टाइम हुआ है तो आना शुरू है और बच्चों को उत्साह है और लग रहा है। आज अभी तक 10 टीके कम से कम लग चुके हैं। ये बच्चों का ही सुरक्षा कवच है शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुर की तरफ से। मैं सभी पालकों को भी सूचित कर दिया है, मैसेज भी भेज दिया है और बच्चों में भी उत्साह है और बच्चे आ भी रहे। ठीक, पेटलावद से नीलेश सोनी की रिपोर्ट।